हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं कर रहा हूँ चेकआउट। सुबह के बज रहे 11:30 और मैं निकल गया अभी चारों मॉल रोड के उधर। मैं अभी मॉल रोड के इधर जा रहा हूँ, उधर जाके मंदिर के साइड जाएंगे दोस्त के साथ। दोस्त आने वाला है। इधर भी ट्रैफिक हो रही है हल्की बहुत। ये है आपका ई रिक्शा का स्टैंड, जहाँ पे ई रिक्शा वगैरह लगती है। यहाँ से आपको अगर ई रिक्शा में जाना है दूसरे पॉइंट पे, जैसे कि जहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है वहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिलेगी ई रिक्शा वगैरह। ये लोग जैसे कि वेट कर रहे हैं, लाइन पे लगे हैं, तो चार लोगों को बैठाते हैं ई रिक्शा में, उसी के अकॉर्डिंग चार लोग करके लेके जाते हैं। अभी चलते हैं लेक के पास, जिधर नैना मंदिर है उधर ही, और मार्केट का मैं आपको दिखाऊँगा पूरा मार्केट भी। और इधर से ये रोड है चौराहा था, जो इधर से जाना है अंदर, और इधर से आपको व्यू मिलेगा पूरा नैनी लेक का, और इधर से आपको बोटिंग करने के लिए भी मिलेगा। और इधर जो ट्रेडिशनल वेयर होता है जो उत्तराखंड का है, मतलब, तो वो आप यहाँ पे पहन सकते हो, यहाँ पे पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। लोग जैसे कि करवा रहे हैं, प्यारा सा व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा है। मैं वेट कर रहा था अपने दोस्त का, वो आने वाला था, बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, तब तक मैं सोचा कि थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह बना लेता हूँ। चिल्ड्रेन पार्क, यह है चिल्ड्रेन पार्क। यहाँ पे बच्चे के खेलने के लिए चीज़ें वगैरह हैं, तो बच्चे सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देखो आप कर भी रहे हैं, छोटे बच्चे झूल रहे हैं, और इधर बाहर भी है, बच्चे वगैरह देख रहे हैं कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। मैच चल रहा है, और इधर ना मैच ये मारा, और ओहो हो लग गए हाथ में भाई के। ये लोग बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत टाइम से मैं देख रहा था। और यहाँ पे ना पूरे नैनीताल में आपको एक ही सिनेमा हॉल मिलेगा, जो कि ये है कैपिटल सिनेमा, ठीक है। तो यहाँ पे ना चाय सुट्टा बार भी है, एक ही है चाय सुट्टा बार, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और सिनेमा हॉल तो एक ही है, मूवी लगी हुई है। और ये देखो कुछ धर्मशाला टाइप है, इधर भी घर वगैरह है, तो इधर भी आप देख सकते हो। और मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा, और ये रहा गुरुद्वारा। तो ये ना बेस्ट चीज़ है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, और मस्जिद भी है, सारे इतने पास पास है। गुरुद्वारा के एकदम एग्जैक्ट सामने, मतलब बहुत सामने तो नहीं है, एकदम सामने है। ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मस्जिद है सामने, और गुरुद्वारा, और इसके पास मंदिर, और इधर जो है ये मार्केट है पूरा, भूटिया मार्केट कहते हैं इसको, जो भूटानी होते हैं ना, भूटानी लैंग्वेज में। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड का शॉप, वो रेस्टोरेंट है यहीं पे भूटिया मार्केट में, उनका शॉप है नैनी डोसा सेंटर पूरा, ये वाला जो थाली बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा है, ये वाला है मेरे फ्रेंड का शॉप, अपना है, खुद का है, खाना वाना हमने वही खाया। आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो उसके रेस्टोरेंट पे। ये पेड़ों में फूल दिख रहे हैं, कितने प्यारे हैं फूल वगैरह, बहुत प्यारे फूल हैं। उधर ना रास्ता भी है सबसे ऊपर टॉप में, और ये रहा पूरा व्यू देखो मार्केट का, मतलब ज़्यादा बड़ा मार्केट तो नहीं है, मेन है, मतलब इधर से एंटर करना होता है। और व्यूज़ वगैरह देखो कितने मस्त लग रहे हैं, बादल वगैरह वगैरह। और इधर ही पास में मंदिर है, मंदिर भी आप जा सकते हो, इधर वो शॉप वगैरह जो आरती वगैरह, मतलब जो चीज़ें मिलती है प्रसाद वगैरह। और ये मंदिर है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, मेरा दोस्त आएगा उसके साथ ही मैं जाऊँगा अंदर। तो ये नैना प्रसाद भंडार है, यहाँ से आप सामान वगैरह ले सकते हो चढ़ावा के लिए, चुरनी वगैरह और जो भी प्रसाद वगैरह होता है सब कुछ यहाँ से ले सकते हो आप। और इसके जस्ट एक शॉप है, उसके बाद धर्मशाला, मैं आपको धर्मशाला भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक धर्मशाला मिल जाएगा, जो कि नैना मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये रहा धर्मशाला, यहाँ पे भी आपको सस्ते मिल जाएंगे, 300-400 में रूम वगैरह मिल जाएगा, और सिंगल बेड 300-400 भी ज़्यादा है, इससे भी कम में सस्ते मिल जाता है वैसे तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो इसके लिए आपको मंदिर में जाके बात करना होगा ट्रस्ट के लोगों के साथ, तो वो आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे अगर खाली हुआ तो, नहीं तो आपको नहीं दे पाएंगे। ये पास में टॉयलेट है, सुलभ शौचालय। और अभी चलो मैं आपको शेयर करवाता हूँ शॉप्स की, जितने भी यहाँ पे हैं कपड़े वगैरह, ये सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह है, जो बच्चों के खिलौने वगैरह है, वो सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले ही है शॉप मंदिर के जस्ट एंटर हो, मतलब सामने जो मंदिर है देखो उधर से, और इधर भी है बैग वगैरह है, इधर से एंटर ही है, और इधर से दूसरा वाला गली है, और एक पीछे भी गली है, ये रहा एक गली, उधर जो है क्लोथिंग वगैरह है, और इधर से ये पर्स वगैरह और जो ईयरिंग्स वगैरह होती हैं लेडीज़ की, वो सब चीज़ें हैं। तो इधर आपको ये ईयरिंग्स वगैरह दिख जाएंगे, और ये सब कुछ, और भैया मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और इधर सारी चीज़ें हैं, सनग्लासेस वगैरह, कैप, जो भी है सारी चीज़ें इधर से। और ये लास्ट शॉप है, ख़त्म। अब इधर से बैक हो जाते हैं, दूसरी साइड चलते हैं, उधर आपको क्लोथिंग वगैरह दिखाएंगे। जैसे शॉप वाले ना मना करते हैं वीडियो बनाने के लिए, भैया मत बनाओ, मत बनाओ, अगर बना रहे हो तो फेस मत दिखाओ, मतलब पहले ही मना कर देते हो, बोलते हैं मत बनाओ।
फेस, एक भैया ने तो बोला कि फेस मत दिखाना, तो इसलिए मैंने वो क्लिप लगाया नहीं है। इधर है पास सारे क्लोथिंग वगैरह, मतलब क्लोथिंग वगैरह ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्लोथ ले रहे हो आप, आपके ऊपर भी है कि आपको कैसा चॉइस आ रहा है, आपको वैसा वाला है। तो कुछ कुछ दुकानें तो खुली भी नहीं है क्योंकि शाम का मार्केट ही है, शाम को सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, शाम को सबके सब निकलते हैं। अभी जो भी क्लोथ वगैरह क्लोथिंग की शॉप्स वगैरह खुली हुई है वही सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, खिलौने वगैरह, बच्चे के खिलौने की शॉप्स ज़्यादा है, ये सनग्लासेस वगैरह या आपकी शॉप्स वगैरह, जूते की शॉप्स भी हो गए, सब कुछ है और सब कुछ बढ़िया है, मतलब ज़्यादा प्राइस तो नहीं है, मैंने पूछा था। और सबसे फेमस यहाँ का मोमोज़ है यहाँ पे सोनम फास्ट फूड, मतलब इनका दुकान तो हर टाइम पे भीड़ रहता है, पर अभी नहीं है, अभी कम है, ये तो लाइन लगी रहती है पूरी, इतनी भीड़ होती है, रश होता है। बहुत अच्छे हैं, टेस्टी है, मैंने खाया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और इधर से ही भी लास्ट है। अपना कौन सा वाला है? वाइट वाली या ये येलो वाली? येलो येलो टट्टी खा लो जा। जहाँ पे बोटिंग करने के लिए आया हूँ वहाँ से देखो नैना मंदिर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है पूरा, एकदम मतलब पिक्चराइज हो रहा है, कितना क्वालिटी कितना अच्छा आ रहा है। और उधर से बादल वगैरह भी दिख रहे हैं हल्के फुल्के, और पूरा मतलब क्लियर आ रहा है व्यूज़, बहुत सुंदर लग रहा था। पानी टच करके देखा, इतना ठंडा भाई साहब, गजब, एकदम चिल्ड, इतना ठंडा था, मतलब मत पूछो, बहुत ही ज्यादा ठंडा। अपना ना बोटिंग टाइम ख़त्म हो गया, अभी हम लोग आ गए हैं मैच ग्राउंड के अंदर जहाँ पे मैच चल रहा था, मैच तो ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये रास्ते में ना ये मिल गए थे, आड़ू बेच रहे थे अंकल, तो इनसे मैंने आड़ू लिए, 50 रुपये का प्लेट जिसमें 5-6 पीस होते हैं, तो 5-6 पीस थे, तो मैंने ये ले लिया था। और हम लोग वेट कर रहे थे साइकिल का, तो साइकिल लिया हमने, 100 रुपये का, 1 घंटे का चार्ज है मेरा साइकिल, और बोरा मेरा दोस्त साला पहाड़ी है ना तो उठ गया पहले, और मेरे से चला ही नहीं जा रहा, बहुत ऊपर है भाई, हनुमानगिरी चढ़ रहे हैं हम लोग, नीचे से तो चढ़ाई करके आ गए, अब ऊपर ऐसे रोड है, पूरा चढ़ाई करके आना पड़ रहा है, और नीचे रोड, भाई साहब लोकेशन एकदम मस्त, एकदम गजब, एक नंबर। कौन सी स्कूल? हाँ दिख तो रही है, हेलीकॉप्टर था जादू वाले में, हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ कोई मिल गया, मूवी का ज़्यादातर शूटिंग जो है इस जगह पे हुआ था। हाँ ऐसे साइकिल चलाते हुए, वो रहा रोड वहाँ से साइकिल चला के आए हैं। कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग पहुँच गए हनुमान मंदिर, हनुमानगिरी के नाम से जो फेमस है। यहाँ पे नीम करोली बाबा का भी मंदिर है, तो उनका भी हमने दर्शन करा, और माता का भी है, शिव जी का भी है, सबका हमने पर दर्शन वगैरह कर लिया था। ये है रात का व्यू, आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नए ब्लॉग में, चलिए बाय बाय।